नमस्कार, मैं हूं सुमित शुक्ला। आपका एनडीटीवी एमपीसीजी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ में हैं फिल्म प्रोड्यूसर शब्बीर बॉक्सवाला जी, जिनकी फिल्म शेरशाह को 69 नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर स्पेशल जूरी मिला है। चलिए हम आपको उनसे मिलवाते हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। हाँ, नमस्कार सुमित जी। सर, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 2023 जो ये साल है, आपके लिए इतना भाग्यशाली है कि आपकी फिल्म शेरशाह नेशनल अवार्ड तक पहुंच गई। इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? हाँ, ये बहुत ही खुशी की बात है। हर प्रोड्यूसर चाहता है अल्टीमेटली के उनको जो फाइनल हमारे कंट्री में जो बहुत ही प्रेस्टीजियस अवार्ड है, जो नेशनल अवार्ड है, हर कोई अपना हाथ उस पर रखना चाहता है। तो मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि हमारी फिल्म को चुना गया है एंड वी गेटिंग द स्पेशल जूरी अवार्ड द 69th ईयर ऑफ नेशनल अवार्ड। तो मैं और मेरी टीम और सारे जो लोग जुड़े हुए थे सब बहुत खुश है। और इन द प्रीवियस 1-2 ईयर्स वी हैव बीन actually winning all sorts of awards from all sorts of organization, whether it been Filmfare, IFA, all the prestigious organization. And we were really hoping that the year ends with national award, so हमारा एक पूरा साइकिल खत्म हो जाता है और we feel completely satisfied जब आपको हर प्लेटफॉर्म से अवार्ड मिलता है, देन लगता है कि भैया जो मेहनत और लगन से हम लोग ने ये पिक्चर बनाई हुई है उसका पूरा फल हमें मिल रहा है। तो वैसे दर्शकों का प्यार भी बहुत मिला है इस पिक्चर में, तो वो भी एक बहुत बड़ी अहम बात है। बिकॉज अगर दर्शकों का प्यार नहीं मिलता तो मायूसी होती है, बिकॉज फाइनली हम लोग पिक्चर तो दर्शकों के लिए बनाते हैं। तो वो तो हमें बेहद बहुत बहुत मतलब अप्रिशिएशन मिला है ऑडियंस का, फ्रॉम नॉट ओनली इंडिया बट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। हमारा म्यूजिक भी बहुत सराहा गया है फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। सर, फिल्म बनाने से पहले आपके दिमाग में कुछ थिंकिंग तो आ रही होगी, पता नहीं फिल्म हिट होगी फ्लॉप होगी, खासकर उस टाइम पर जब धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म लगातार फ्लॉप जा रही थी। शेरशाह से पहले कंटिन्यूस धर्मा की फिल्में फ्लॉप नहीं है, इसके बारे में क्या बोलेंगे आप? फिल्म मेकिंग इज अ गैम्बल एंड इट्स आइदर इट्स लाइक गोइंग इन टू अ कैसीनो, आइदर यू गो इन टू द यू विन और यू लूज, सो एंड इट इज योर बिलीफ इन द सब्जेक्ट मैटर एंड द स्टोरी विच यू हैव टू गेट कन्विंस। फर्स्ट यू हैव टू गेट कन्विंस एज अ प्रोड्यूसर, एंड वंस यू गेट कन्विंस देन यू हैव टू गो फुल हार्टेड to make it, and get the right people, the right actors, right technicians, good team, as they say, to get the film executed. And जब मैंने विक्रम बत्रा के बारे में पढ़ा था, I was very sure कि इस कहानी को अगर सही तरीके से बनाई गई तो ये ऑडियंस के दिलों को छुएगी, बिकॉज उसमें सब कुछ था। एक तो वैलर था, एक बहुत खूबसूरत प्रेम कहानी थी, और देश के प्रति जो जज्बा है हमारे यंग सोल्जर्स का, उनका सैक्रिफाइस, वो सब ऑलरेडी था इस सब्जेक्ट में। हमें मतलब लिखना नहीं पड़ा। ऑब्वियसली कहानी राइटर फाइनली गिव्स हिज टचेस आल्सो एंड राइट्स इट इन द राइट फॉर्म, सो बट बनी बनाई कहानी तो ऑलरेडी थी, तो उससे हम गेज कर सकते थे कि ये बहुत ऐसी पिक्चर है जिसको सही ढंग से और रिस्पॉन्सिबिलिटी से बनाई जाए तो ये दर्शक और सारे लोग पसंद करेंगे इसको। पर सर, सिद्धार्थ मल्होत्रा ही क्यों? क्योंकि इस कैरेक्टर के लिए, विक्रम बत्रा के लिए, विक्की कौशल और जॉन इब्राहिम, वरुण धवन जैसे एक्टर भी तो डिजर्व करते थे। जैसे सुमित मैंने आपको बताया कि जब ये सब्जेक्ट हम लोग ने सोचा कि हम बना रहे हैं, वी वांटेड टू कास्ट पीपल हु आर, बिकॉज इट्स अ ट्रू स्टोरी,
सो यू नो आई 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 कुड हैव टेकन जॉन इब्राहिम, बट जॉन इब्राहिम डजंट लुक लाइक विक्रम बत्रा. सो वी हैड टू टेक एन एक्टर हु रिजेंबल्स समवॉट एटलीस्ट 90% टू विक्रम बत्रा. एंड सिद्धार्थ डिड रिजेंबल विक्रम बत्रा. वो पंजाबी लड़का है, विक्रम भी पंजाबी था. एंड उसने, मैं समझता हूँ, दे कुडंट हैव बीन एनी बेटर विक्रम बत्रा देन सिद्धार्थ. यू नो जिस वे से उन्होंने ये किरदार को निभाया है, बहुत खूबसूरती से निभाया है. उसने बहुत मेहनत भी की है उस पर, तो वो निखर कर आया है. एंड एवरीबडी लव्ड हिम इन दिस रोल. पर सर सोर्सेस से हमारे पास खबर थी कि सलमान खान ने आयुष का नाम शेरशाह के लिए रिकमेंड किया था, पर आपने मना कर दिया। मतलब मैं एक कहावत मुझे याद आ रही है कि पानी में रह के मगर से बैर करना, कहीं ऐसी स्थिति तो नहीं थी? नहीं, ये सब बकवास की बातें है. सलमान मेरा अच्छा दोस्त है, मैं उनको जानता हूँ जब से वो एक्टर नहीं हुए थे. उनको बहुत देर से पता चली कि मैं ये सब्जेक्ट बना रहा हूँ, और उन्होंने मुझे फोन करके बुलाया भी और पूछा. तो मैंने उन्हें बता दिया कि भैया ये ऑलरेडी बहुत आगे निकल गई है बात, और एक्टर फाइनल हो गया, ये सब कुछ हो गया है. तो आई कांट बैक ट्रैक नाउ, यू नो. एंड ही वॉज वेरी अंडरस्टैंडिंग एंड ही सेड ऑल राइट छबी, तो अगर बात आगे तक पहुंच गई है, यू फाइनलाइज पीपल, ही इज अ एक्टर हिमसेल्फ, ही अंडरस्टैंड्स, यू नो. एंड दैट वाज जस्ट दैट. उसको मीडिया में बहुत ज्यादा ये फैला दिया था कि सलमान वांटेड टू डू, ही जस्ट कॉल्ड मी एंड आस्क्ड मी, एंड ही इज अ फ्रेंड, यू नो. एंड आई एक्सप्लेन इट टू हिम, एंड ही वाज फॉरथकमिंग, एंड ही अंडरस्टूड द प्रॉब्लम, एंड ही सेड नो प्रॉब्लम. आई स्पोक टू आयुष ऑल्सो, भैया आयुष दिस इज योर फर्स्ट फिल्म, इसमें डबल रोल है, बहुत रिस्क है, कमर्शियल्स आर वेरी हाई, सो इट्स इज नॉट गुड फॉर यू टू यू नो टेक सो मच ऑफ अ बर्डन ऑन योर फर्स्ट डेब्यू फिल्म, यू नो. एंड आई थिंक सो इज अ स्वीट गाय, ही ऑल्सो अंडरस्टूड, और बस वो मैटर वहीं खत्म हो गया था, आगे कुछ नहीं हुआ था. मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि अब शब्बीर बॉक्स वाला जी कौन कौन से प्रोजेक्ट पर काम करने वाले हैं, कौन सी उनकी फिल्म या सीरीज रिलीज होने वाली है, हमारे व्यूअर्स आपसे जानना चाहते हैं। मैं अभी काफी चीजों पे काम कर रहा हूँ, बट कुछ चीजें हैं जो मैं पहली बार ओटीटी पे काम करने जा रहा हूँ, तो मैं रिवील नहीं कर सकता हूँ. ओटीटी प्लेटफॉर्म के जो नियम होते हैं और कानून होता है, तो वी आर नॉट एज अ प्रोड्यूसर टिल दे डोंट अनाउंस, आई एम नॉट अलाउड टू टॉक अबाउट दिस प्रोजेक्ट्स. बट या मैं दो पिक्चरें बना रहा हूँ, तो वो पिक्चरें बहुत डिफरेंट किस्म की है, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट बोथ दोज फिल्म्स आल्सो. सो बट आई फील इट्स टू अर्ली टू टॉक अबाउट दैट, बिकॉज अभी कहानियों पे काम चल रही है, और मेरे फेवरेट राइटर संदीप श्रीवास्तव जी लिख रहे हैं उसको, जिसने शेरशाह लिखा था. तो जैसे कुछ मामला तैयार होगा, मैं उसके बारे में बात करूंगा. शब्बीर जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सुमित जी, और मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द एक नए शख्सियत के साथ। नमस्कार।